कई लोग कहते हैं कि उन्हें खुद को और बेहतर बनाने की बहुत इच्छा है। इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद में जो भी बदलाव लाना चाहते हो उसे लिखो और फिर उसके लिए एक्शन लो। ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा कंफ्यूज ही रहोगे। अगर आपने तय कर लिया, लिख लिया, तो आप कर भी लोगे। आपने खुद से कहा कि मुझे 5 घंटे में मैराथन पूरी करनी है, तो यकीन मानो उस गोल को लिखने के बाद आप उसे पूरा करने में जुट जाओगे। मैं अक्सर लोगों को यही बेस्ट सलाह देता हूं कि खुद को अपनी जिंदगी की फिल्म का हीरो समझो। जैसे कि अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की हर मूवी में हीरो उठता है, पिज्जा आइसक्रीम बनाता है, वैसे ही बोरिंग आपकी भी लाइफ है, लेकिन फिर उसमें उथल पुथल शुरू होती है और क्लाइमेक्स से पहले हालात जोरदार हो जाते हैं, कांटे की टक्कर होती है। बस मान लो कि उस फिल्म के हीरो आप हो, जिसने अब तक सिर्फ खोया ही खोया है। लेकिन अब यह तय कर लो कि आपको अब लूजर बनकर नहीं रहना है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो जैसे एक डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला क्रू आपके आसपास घूम रहा है और आप अपना खुद का बिहेवियर एनालाइज कर रहे हो। वही करो जो आप करना चाहते हो। जब आपके बच्चे बड़े होकर आपकी डॉक्यूमेंट्री देखें तो आप पर गर्व कर सकें। वो कहें कि मेरे पिता कितने साहसी थे, उन्होंने जो चाहा वो कर दिखाया। मेरी मां ने अपने सभी ख्वाब सच कर दिखाए। आपकी सफलता की कहानी आपके बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बननी चाहिए। आपने इस सफर में जिन भी मुश्किलों का सामना किया उन्हें भी लिखो। आपको सोचना होगा कि आप अपनी फिल्म के हीरो हो। यह भी लिखो कि क्या करना है और कैसे करना है कि यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो सके। तो शुरू कर दो। मेरी जिंदगी तो नरक है, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता, उसमें ना कोई टैलेंट है और ना कोई बात, लेकिन फिर भी उसके पास सब कुछ है। काश मेरे पास भी उसकी तरह रातों रात अमीर बनने का हुनर होता। अगर आप दूसरों की कामयाबी से जलते हो और अपनी नाकामी को कोसते रहते हो तो आप खुद अपनी कामयाबी का दरवाजा बंद कर रहे हो। बजाय उनसे इंस्पिरेशन लेने के, पॉजिटिव होकर कोशिश करने के, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश छोड़कर आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, बैठो, सोचो और लिखो अपने मन की बात। इस दुनिया में सबसे तकलीफ देने वाली बात यह है कि ऐसे फालतू आदमी के पास बैठना जो सारे समय सिर्फ शिकायतें करता रहता है, दूसरों में कमियां ढूंढता है, दूसरों की बुराइयां करता रहता है, जो अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश ना करके सिर्फ हालात की शिकायतें करता रहता है। उस आदमी से सब नफरत करते हैं, उससे मिलने से सब कतराते हैं। ऐसे लोगों से आपको भी दूर हो जाना चाहिए। उनके साथ कोई बहस नहीं करनी है। आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या बुरा हो रहा है, यह बात चिल्ला चिल्ला कर सबको बताने की जरूरत नहीं है। इसकी जिम्मेदारी आप खुद लो और आप खुद ही इसे ठीक करो, और सिर्फ आप ही ये कर सकते हो।